हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 9 ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास्ट, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू कॉल्ड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब ढांचा। साइटोप्लाज्म के ढांचे की बात कर रहे हैं, राइट? साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें, सो दीज आर सम प्रोटीनेसियस एलिमेंट। साइटोस्केलेटन क्या है? कुछ प्रोटीनेसियस एलिमेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म की एग्जिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं, राइट? दीज आर वेरी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंसी ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो याद रहे, साइटोस्केलेटन क्या है? सम प्रोटीनेसियस एलिमेंट। ये कुछ प्रोटीनेसियस एलिमेंट है एंड दीज एलिमेंट्स मेंटेन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो दीज आर सम प्रोटीनेसियस एलिमेंट, पहली बात तो ये कि प्रोटीनेसियस एलिमेंट्स। दूसरा, ये साइटोप्लाज्म को मेंटेन करने का काम करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। साइटोस्केलेटन जो है इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं? इट इंक्लूड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। थ्री टाइप्स के होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दीज आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन कंपोनेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। तो व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर आल्सो द साइटोस्केलेटन कंपोनेंट? अगर माइक्रोट्यूबल्स की बात करें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि साइटोस्केलेटन क्या है, ये प्रोटीनेसियस एलिमेंट है। तो माइक्रोट्यूबल्स भी क्या होगा? एक प्रोटीनेसियस एलिमेंट होगा। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूबल्स क्या है? ये लार्ज साइज, यू नो, लार्ज डायमीटर, ये प्रोटीन थ्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर थ्रेड लाइक प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स। ये थ्रेड लाइक प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है जिनको आप माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। जिनको आप क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। थ्रेड लाइक प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर दैट यू कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो लगभग इतना होता है। इनका डायमीटर इन तीनों साइटोस्केलेटन कंपोनेंट में सबसे ज्यादा होता है, 25 से 30 नैनोमीटर तक होता है, राइट? इन ये जो होते हैं, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये सेल डिवीजन में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो यहां पे जो माइक्रोट्यूबल्स है वो थ्रेड लाइक प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है। डायमीटर लगभग 25 से 30 नैनोमीटर होता है एंड ये स्पिंडल फाइबर्स के कंपोनेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट माइक्रोट्यूबल्स। दिस इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू, राइट? सो दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर यू। माइक्रोट्यूबल्स के बाद हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? माइक्रोफिलामेंट्स की। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट? माइक्रोफिलामेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। माइक्रोट्यूबल्स मैंने बता दिया है आपको। नाउ सी माइक्रोफिलामेंट्स एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं। देखिए माइक्रोफिलामेंट्स, अगर मैं माइक्रोफिलामेंट्स की बात करूं तो माइक्रोफिलामेंट्स का जो डायमीटर होता है लगभग कितना होता है ये जान लीजिए। द डायमीटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 नैनोमीटर।
दिस इज द डायमीटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स 5 to 7 नैनोमीटर, ये डायमीटर होता है माइक्रोफिलामेंट्स का। किसका है ये? माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर है ये, ठीक है, 5 to 7 नैनोमीटर लगभग इतना इसका ये डायमीटर होता है, राइट। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ सेल्स में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, सेल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज में ऑफ सेल्स की एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक्टिन प्रोटीन आपने सुना होगा, मायोसिन प्रोटीन आपने सुना होगा, ये दोनों ही मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं, मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं, और ये माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फिलामेंट, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट फॉर यू, राइट। इसके बाद हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहा जाता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि इनका डायमीटर जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के इंटरमीडिएट इनका साइज होता है, इसलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। इसका जो डायमीटर होता है लगभग कितना होता है डायमीटर? 5 to 10 नैनोमीटर इसका ये डायमीटर होता है, राइट। और ये भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में आते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल है जैसे टोनोफिलामेंट्स। ये जो टोनोफिलामेंट्स होते हैं, ये टोनोफिलामेंट्स जो है करेक्टर है एपिडर्मल सेल्स का। इसका एपिडर्मल सेल्स जो होती है, एपिडर्मल सेल्स जो होती है, राइट, उसमें टोनोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, राइट। एपिडर्मल सेल्स में ये पाए जाते हैं टोनोफिलामेंट्स। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है न्यूरोफिलामेंट्स या न्यूरोफिब्रिल्स भी आप कहते हैं इसको, ये नर्व सेल्स में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन मैंने आपको बता दिया, तो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन प्रोटीनेसियस एलिमेंट्स होते हैं, राइट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, राइट। इसके अलावा इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो साइज होता है, डायमीटर होता है लगभग 25 से 30 नैनोमीटर होता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन लाइक प्रोटीन एलिमेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन एंड मायोसिन आते हैं, और ये जो एक्टिन एंड मायोसिन मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? मसल कॉन्ट्रेक्शन में एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट हेल्प करते हैं। इसका डायमीटर लगभग 5 to 7 नैनोमीटर होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स को ये प्रमोट करता है माइक्रोफिलामेंट। वहीं अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो साइज में इंटरमीडिएट होते हैं, डायमीटर लगभग 5 to 10 नैनोमीटर होता है। टोनोफिलामेंट्स और न्यूरोफिब्रिल्स इसके दोनों एग्जाम्पल है। टोनोफिलामेंट्स एपिडर्मल सेल्स में होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स। अब साइटोस्केलेटन के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन। अगला जो टॉपिक है वो है पेरोक्सीसोम, ठीक है। कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये भी, राइट, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि पेरोक्सीसोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोक्सीसोम के बारे में जान लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। पेरोक्सीसोम, तो बात करते हैं अबाउट पेरोक्सीसोम के बारे में, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। पेरोक्सीसोम क्या है ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए पेरोक्सीसोम, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें काफी सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये सोर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, पेरोक्सीसोम इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इस पेरोक्सीसोम
ये जो पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं इनकी जो लोकेशन होती है ये किडनी सेल्स में होते हैं, ये लिवर सेल्स में होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में किडनी सेल्स और लिवर सेल्स में होते हैं और इनका जो प्राइमरी रोल है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि टॉक्सिक्स को बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं। इवन ये प्लांट सेल्स में भी मौजूद होते हैं, ये कहां मौजूद होते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में इनका जो फंक्शन होता है ये परफॉर्म फोटो रेस्पायरेशन। ये क्या परफॉर्म करते हैं, दीज परफॉर्म द प्रोसेस दैट यू कॉल्ड परफॉर्म द फोटो रेस्पायरेशन। एक प्रोसेस है जिसे आप कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस को ये परफॉर्म करने का काम करता है जिसे आप पेरोक्सीसोम कहते हैं। तो पेरोक्सीसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, किडनी सेल्स में होते हैं, लिवर सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और इसके जो फंक्शंस होते हैं ये फोटो रेस्पायरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। अबाउट फोटो रेस्पायरेशन यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ये सेल्स में प्लांट में एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये फोटो रेस्पायरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है प्लांट सेल्स के अंदर। दिस इज द रोल अबाउट पेरोक्सीसोम एंड दिस इज ऑल अबाउट पेरोक्सीसोम। इसके बाद जो अगला सेल ऑर्गेनेल है दैट यू कॉल्ड ग्लाइऑक्सीसोम। क्या कहते हैं आप इसको, ग्लाइऑक्सीसोम की हम बात कर रहे हैं। अनदर सेल ऑर्गेनेल दैट यू कॉल्ड ग्लाइऑक्सीसोम दैट यू कॉल्ड व्हाट, जिसे आप ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं। There is another cell organelle that you call glyoxysome. Today I will complete this chapter also. तो यहाँ पे glyoxysome की हम बात करते हैं। तो glyoxysome क्या होते हैं? These are involved in synthesis of fatty acid and glucose. ये plant cells में पाए जाते हैं, only found in plant cells. Glyoxysomes and ये जो होते हैं, these involved in photosynthesis and glucose synthesis. Not photosynthesis, fatty acid synthesis. तो ये जो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन फैटी एसिड सिंथेसिस एंड इन ग्लूकोज सिंथेसिस। तो ग्लूकोज सिंथेसिस एंड फैटी एसिड सिंथेसिस में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दिस इन्वॉल्व इन फैटी एसिड सिंथेसिस एंड इवन ग्लूकोज सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ऐसे ही एक होता है स्फेरोसोम्स, ये भी खाली फैट ऐसे जो फैट कंटेनिंग सीड्स होते हैं जिसे ग्राउंड नट सीड्स, उन सब में पाया जाता है। ये फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। एक ऐसे ही अनदर सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनल है जिसको आप स्फेरोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरोसोम्स। खासकर ये प्रेजेंट होते हैं ऑयल कंटेनिंग सीड्स में, मेनली प्रेजेंट इन ऑयल कंटेनिंग सीड्स। तो ये मेनली प्रेजेंट इन ऑयल कंटेनिंग सीड्स। तो ऑयल कंटेनिंग सीड्स में ये प्रेजेंट होते हैं स्फेरोसोम्स, राइट, एंड दीज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म, इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ये बात आपको याद रखें। So this is about glyoxysome, this is about spherosome. इसके बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर बचा है, उसके बारे में जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सीलिया एंड फ्लैजिला की हम बात करते हैं, ठीक है। अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, राइट, अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, राइट। आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस विद यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको जानना है। सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में देखते हैं। सो लिसन केयरफुली अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। तो व्हाट इज सीलिया एंड व्हाट इज फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। ये सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं दोनों ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, दोनों ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ होती है, मेनली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं, इवन कुछ प्रोटिस्ट्स में भी ये पाए जाते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स में इस स्ट्रक्चर एज जनरल पाए जाते हैं।
इवन एनिमल सेल्स में भी सीलिया देखे जाते हैं, नॉट फ्लैजिला, फ्लैजिला फाउंड इन बैक्टीरिया। तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है। इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर दोनों ही कॉमन होते हैं, लेकिन दोनों की लेंथ में डिफरेंस होता है, दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। तो अगर मैं सीलिया की लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ सीलिया होती है लगभग 5 नैनोमीटर, वहीं लेंथ ऑफ फ्लैजिला जो होती है लगभग 150 नैनोमीटर, जबकि इनके बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन होते हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजिला लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, प्रोटिस्ट्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। सीलिया का जो साइज होता है, लेंथ होती है कंपैरेटिवली कम होती है, 5 नैनोमीटर होती है, जबकि फ्लैजिला काफी लंबा होता है। दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं प्रोकैरियोट्स को, प्रोटिस्ट्स को, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है, सपोज दैट दिस इज द सीलिया, सीलिया कंपैरिजन में ये फ्लैजिला है, दिस इज द फ्लैजिला। तो फ्लैजिला सीलिया के कंपैरिजन में बहुत लंबा होता है, सीलिया बहुत छोटा होता है, लेकिन इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला है, ये बात आपको याद रखनी है। राइट, दीज आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला, दिस इज ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लायोक्सिसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला, ये सब मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या होगा? राइट, अगला टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो अगला टॉपिक जो होगा वो अगले चैप्टर में होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो इस चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।